बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले के सजायाफ्ता लालू यादव की सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी 16 जनवरी को तय की गई थी। आपको बता दें, जिसके मद्देनजर लालू यादव रिम्स अस्पताल से अदालत के लिए रवाना हुए और वहां अपनी उपस्थिति एवं बयान दर्ज कराया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुधांशु कुमार शशि की अदालत में 313 के तहत लालू यादव का बयान दर्ज हो चुका है। वहीं 139 करोड़ के अवैध निकासी के इस मामले में लालू समेत 100 से अधिक आरोपी भी शामिल हैं। आपको बता दें, पत्रकारों से बातचीत में लालू के वकील ने बताया कि 313 के तहत कार्यवाही में कोर्ट और अभियुक्त के बीच सीधे संवाद होता है, तीसरे या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। साथ ही बताया कि मामले में 100 से अधिक आरोपियों में से कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी का बयान दर्ज किया जा चुका है और फैसला आने में लगभग 2 या 2.5 महीने की प्रक्रिया शेष है। 313 जो होता है, उसमें कोर्ट और अभियुक्त के बीच में डायरेक्टली होता है, इसमें किसी दूसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए मैंडेटरी है, उसमें आना ही पड़ेगा। ये है 139 करोड़ का है, पर बाकी जो केस में जो भी डिस्पोजल हुआ है उसका टेन्योर बहुत छोटा था, किसी का 6 महीने का था, किसी का 1 साल का था। ये 90 से लेके 95-96 तक का है, 5 साल का मामला है, और एवरेज अगर ईयर वाइज देखा जाएगा तो करीब करीब 27-27 करोड़ के लगभग जो है पर एनम एक्स्ट्रा पैसा लगता है। इसमें टोटल जब चार्जशीट आया था 2002 में, तो उसमें 180 अभियुक्तों का पर चार्जशीट आया था, और 20 साल गुजर जाने के बाद जो है अब 111 अभियुक्त बचे हैं, 2.5 महीना और लगेगा। वहीं झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके मधु कोड़ा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि लालू जी न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, साथ ही अपनी बात रखकर भी अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। वहीं इस दौरान बाबूलाल मरांडी के विषय पर बात करते हुए उन्होंने बाबूलाल को सलाह दी कि वे बीजेपी में ना जाएं तो सही रहेगा, क्योंकि ये फैसला राजनीतिक रूप से नुकसानदेह है एवं ये राजनीतिक छवि को हानि पहुँचा सकता है। न्यायालय की संवाद होनी चाहिए, न्यायालय की संवाद करते हैं, किसी भी पार्टी क्योंकि वो अपने पार्टी के बैठे अध्यक्ष है, तो मध्यम करने का निर्णय हमने ले सकते हैं, लेकिन जिस बात में जाना चाह रहे हैं राजनीतिक रूप से काफ़ी उसको नुकसान होगा, उसकी छवि पर काफ़ी उसका हानि होगा, इसलिए मेरी सलाह हो गई है को अभी नहीं करनी चाहिए। चारा घोटाले की सजायाफ्ता लालू सीबीआई की विशेष अदालत में अपनी उपस्थिति एवं बयान दर्ज करा चुके हैं। लालू यादव के वकील के दिए गए जानकारी के अनुसार फैसला आने में लगभग 2 से 2.5 महीने की प्रक्रिया अभी भी शेष है। अब इंतजार है तो बस फैसले के दिन का, जब ये पता लग पाएगा कि अदालत लालू के हक में फैसला सुनाती है या नहीं। सबरंग समाचार के लिए रांची से रिजवान की रिपोर्ट।